Assalamualaikum my YouTube family, this is Meeru Baap ka world. Welcome back to my YouTube channel, welcome back to another video. तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ दिल खोल के शेयर करें. इस काम में कोई कंजूसी नहीं करनी. तो चलिए जी, अभी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन चाउमीन रेसिपी. चिकन चाउमीन जो है रेस्टोरेंट्स में तो बहुत खाया है, आप लोगों ने भी आई एम श्योर बहुत ज़्यादा खाया होगा, लेकिन घर में थोड़ा सा बनाना इसको थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि थोड़े सॉसेज इस तरह के होते हैं कि आपको ईजिली नहीं मिलते. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट के बहुत इजी वे में और बहुत कम सॉसेस के साथ कैसे आप चिकन चाउमीन घर पे बना सकते हैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी. तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम किचन में चलते हैं, सारी रेसिपी इन डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी, सारे हैक्स शेयर करूंगी, सारी टिप्स एंड सारे इंग्रेडिएंट्स इन डिटेल हर चीज बताऊंगी, सारा मेथड बताऊंगी. तो कौन से सॉसेज आप इस्तेमाल करेंगे टू मेक अ परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल चाउमीन, तो वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगी. हाँ, एक चीज मैं बता देती हूँ, चाउमीन में जो हम नूडल्स इस्तेमाल करेंगे वो रेगुलर स्पैगेटी नहीं है. मैं उसके लिए लॉन्ग मैक्रोनी वाले नूडल्स लेकर आई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो किस तरह के होते हैं. वो रेगुलर स्पैगेटी से थोड़े से थिक होते हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी. और चलिए अब किचन में चलते हैं, लेट्स गो. सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी. सबसे पहले चाउमीन बनाने के लिए आपने चिकन को मैरिनेट करना है. मैरिनेट करने के लिए मैंने लिया है चिकन बोनलेस, आप क्यूब्स में काट लें या लंबा लंबा सा काट लें. तो चिकन मैंने लिया है 200 ग्राम्स, इसको आपने इस तरह से कट कर लेना है. अब इसके अंदर जाएंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें है सॉल्ट. सॉल्ट ऐड करेंगे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कम ज़्यादा हो सकता है एज़ पर टेस्ट. मैंने किया है 1 टीस्पून. साथ में ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर, वो भी 1 टीस्पून, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं चिकन चाउमीन तो स्पाइसेस थोड़े लाइट ही रखेंगे, इसलिए सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. और मैरिनेट इसलिए कर रहे हैं कि चाउमीन में हम लोग थोड़ा सा क्रिस्पी चिकन ऐड करेंगे, सो दैट टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है. सो नाउ आई एम एडिंग 1 एग व्हाइट. आपने एग योक निकाल देनी है और एग वाइट ही डालना है आपने चिकन में, और अच्छी तरह से मिक्स कर लें. सो आई विल ऐड 2 मोर इन्ग्रीडियंट्स. तो जाएगा इसके अंदर कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून, एंड चिकन को क्रिस्प करने के लिए मैं ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून. सो नाउ वी विल मिक्स इट वेल, एंड चिकन को हम लोग मैरिनेट करके रखेंगे 1 आवर के लिए रूम टेम्परेचर पे, सो दैट सारे स्पाइसेस चिकन के अंदर अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो जाएं और हमारा जो फ्लेवर है चिकन का वो बहुत अच्छा सा आएगा जब हम लोग इसको फ्राई करेंगे. सो आई विल कवर द बाउल और 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे चिकन को. एंड टिल देन मैं कुछ वेजिटेबल्स को कट करूँगी, जिसमें मैंने लिया है शिमला मिर्च, प्याज, गाजर और बंद गोभी. इनको आपने लंबा लंबा सा काट लेना है. तो चाउमीन में हम लोग वेजिटेबल्स को ज़्यादा फाइनली चॉप नहीं करेंगे, वेजिटेबल्स हम लोग नॉर्मल साइज़ की ही रखेंगे. एंड आफ्टर 1 आवर चिकन मेरा मैरिनेट हो गया था, इसको मैंने डाला है फ्राई करने के लिए ऑयल में. एंड जब तक चिकन हमारा फ्राई होगा तब तक मैं कर लेती हूँ नूडल्स को बॉयल. तो नूडल्स बॉयल करने के लिए मैंने बड़े पैन में डाला है पानी. पानी में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून सॉल्ट एंड साथ में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, सो डैट हमारे जो नूडल्स हैं वो एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं. तो चाउमीन में मैं इस तरह के नूडल्स यूज़ करने लगी हूँ रेगुलर स्पैगेटी से, ये थोड़े से थिक हैं और जब ये बॉयल होंगे तो मज़ीद थिक हो जाएंगे. तो जब तक हमारे नूडल्स और चिकन रेडी होते हैं तब तक हम लोग वेजिटेबल्स को सौते कर लेते हैं. एक पैन में मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, उसमें जाएगा चॉप्ड गार्लिक. गार्लिक को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे. जब गार्लिक का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसमें ऐड करेंगे सारे वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स को तब तक कुक करेंगे जब तक सारे वेजिटेबल्स सौते नहीं हो जाते. तो जब वेजिटेबल्स सौते हो जाएंगे इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस 1 बाय 1. सो एट दिस स्टेज इन्हीं वेजिटेबल्स में मैं ऐड कर रही हूँ चिकन. चिकन को ऐड करके भी आप अच्छी तरह से इसको पका लेंगे. तो अभी जाएगा चाउमीन में सबसे मेन इंग्रेडिएंट, दैट इज ऑयस्टर सॉस. ये ऐड करना है आपने 2 टेबलस्पून. मजीद फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए मैंने साथ में ऐड करना है किनोर का चिकन क्यूब. आप चाहें तो चिकन पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास है चिकन क्यूब वो मैं डाल रही हूँ. फ्लेवर अच्छा आता है और टेस्ट तो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है, तो मैं वो भी इसमें ऐड करूँगी चाउमीन में. तो
तो कुछ सॉसेज मज़ीद ऐड करेंगे, जिसमें है सोया सॉस 2 टेबल स्पून एंड रेड चिली सॉस ऐड किया मैंने 2 टेबल स्पून, और साथ में मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून, आप लोग चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बट रेड चिलीज इसमें नहीं ऐड करेंगे हम लोग, बस ब्लैक पेपर ही ऐड होगी, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए, और हमारा जो चाउमीन का वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से सौते हो गए हैं, अच्छे से रेडी हो गए हैं, स्पाइसेस पक गए हैं, और अब इसमें ऐड करूंगी मैं नूडल्स। वेजिटेबल्स, चिकन और नूडल्स को अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे, और हमारा जो चाउमीन है रेस्टोरेंट स्टाइल चाउमीन वो रेडी हो गया है, रेडी टू ईट है। एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी लगी होगी, एंड आई ट्राइड माय बेस्ट के बहुत इजी वे में और बहुत सिंपल सी रेसिपी में आपको मैं सिखा दूँ चिकन चाउमीन। सो माय चिकन चाउमीन रेसिपी इज़ रेडी, अभी मैं डिश आउट करती हूँ और फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ अपने यम्मी यम्मी से चिकन चाउमीन की। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।